हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइज 19.25 पे हैं। कह रहे हैं इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर चलिए 31 से देखते हैं। इंटीग्रल है साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स डी एक्स, जिसमें हम लोग पुट कर देते हैं। चलिए रूट एक्स को हम लोग यहाँ पी पुट कर देते हैं। इसे डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू, तो 1/2 रूट अंडर एक्स इक्वल टू में डी टी और बाई में डी एक्स। ठीक है, 1/2 रूट एक्स जगह पे यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पर डी टी और बाई में डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा 2t dt। ठीक है, चलिए यहाँ साइन इनवर्स रूट एक्स जगह यहाँ टी आ जाएगा और डी एक्स जगह आ जाएगा 2t dt। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। ये टू कॉन्सेंट है, बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स टी इंटू में टी डी टी, यदि यू इंटू बी पे यहाँ पे इंटीग्रल निकालते हैं, ये यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 इंटू में साइन इनवर्स टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी माइनस, इंटीग्रल देखे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स टी डी टी इंटीग्रल ऑफ टी डी टी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा dt। ठीक है, आगे चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 अंदर t का क्या हो जाएगा, t² / 2 साइन इनवर्स टी माइनस, इंटीग्रल इसका क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस का t² यहाँ t का हो जाएगा t² / 2 dt। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर ले क्या, यहाँ हो जाएगा t² sin inverse t माइनस, यहाँ 2 से 2 ये भी कट जाएगा, इंटीग्रल ऑफ t² / में √1 - t² dt हो जाएगा, ये ना होगा जी। चलिए तब देखिए अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, t² sin inverse t। ठीक है, ये माइनस अंदर लेते हैं, प्लस का इंटीग्रल ऑफ माइनस का t² और बाई में √1 - t² dt। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है, t² sin inverse t प्लस का 1 यहाँ पे ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और √1 - t² dt। यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, t² sin inverse t प्लस का 1 - t² / में √1 - t² dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/ में √1 - t² dt। ठीक है, अब इसके बाद देखिए t² sin inverse t प्लस का यहाँ पे डिवाइड होगा तो √1 - t² बचेगा। ठीक है, और माइनस इसका तो इंटीग्रल हो ही जाएगा sin inverse t। ठीक है, इसका यहाँ पर निकालना होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग क्या होता है जी फॉर्मूला, वैसे तो इस एक्सरसाइज में नहीं, आगे की एक्सरसाइज में है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। √a² - x² का 1/2 x√a² - x² प्लस का a² / 2 sin inverse x / a प्लस, ये प्रॉपर्टी होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे t² sin inverse t प्लस का यहाँ पर आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/2 t√1 square - t² प्लस का 1² / 2 sin inverse t और बाई में 1 और प्लस, प्लस में माइनस में है, माइनस का है, माइनस का है साइन इनवर्स टी और प्लस का t² sin inverse t प्लस का 1/2 t√1 - t² प्लस का 1/2 sin inverse t माइनस का साइन इनवर्स टी और प्लस में यहाँ सी। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को घटा देंगे यहाँ पर, तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, t² sin inverse t माइनस का 1/2 sin inverse t घटेगा तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 1/2 t√1 - t² ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए t की जगह पे √x होगा ना जी, √x का स्क्वायर
साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का 1/2 रूट एक्स रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर और प्लस में सी। चलिए देखते हैं, एक्स रूट साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू में 1 माइनस का एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी? चलिए अब आगे देखते हैं, इन दोनों साइन इनवर्स एक्स कॉमन करेंगे और एलसीएम ले लेंगे। पहले पहले कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स रूट एक्स और प्लस का 1/2 रूट अंडर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। अंदर एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 1/2 2x माइनस का 1 साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस का 1/2 रूट अंडर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंटीग्रल ऑफ एक्स टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। टेन स्क्वायर के लिए तो फॉर्मूला नहीं जानते हम लोग, इसे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसलिए ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो एक्स यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रल ऑफ एक्स सेक इनवर्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस का इंटीग्रल ऑफ एक्स डी यू इंटू वी पे। अलजेब्रा पहले है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू में इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फिर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस एक्स का इंटीग्रल एक्स टैन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू में टेन एक्स डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस। चलिए इसका इंटीग्रल टेन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेन एक्स माइनस, यहाँ पे टेन एक्स ही ना बचा, तो टेन एक्स का यहाँ पर लॉग ऑफ सेक एक्स कर सकते हैं और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहाँ पर एक्स सेक 2x माइनस 1 बाई में है सेक 2x प्लस 1 dx। एक काम करते हैं, अंदर कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 बाई कॉस 2x माइनस 1 बाई में 1 बाई कॉस 2x प्लस का 1 dx। इंटीग्रल ऑफ x यहाँ पर देखिए कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, नीचे आपका देखिए कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ कॉस 2x 2x कट जाएगा। इंटीग्रल ऑफ एक्स यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी। टेन को यहाँ पे सेक में चेंज करना होगा, टेन स्क्वायर एक्स के लिए इंटीग्रल में हम लोग फॉर्मूला नहीं जानते इस तरह से, तो ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, अलग अलग कर देते हैं एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस का इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। हाईलाइट वाले मेथड पे ये यू होगा ये भी होगा, यहाँ पर एक्स इंटू में इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रल ऑफ यहाँ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस में एक्स का इंटीग्रल, ठीक है। चलिए तब क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए देखिए एक्स टैन एक्स माइनस का 1 इंटू में टैन एक्स डी एक्स माइनस का एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, यहाँ पे चेंज कर देंगे इसमें, देखिए क्या हो जाएगा एक्स टैन एक्स, टैन एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हमें इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस का 1 ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स ई टू द पावर एक्स को यहाँ टी सपोज करें क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ दिख रहा है, लेट एक्स ई टू द पावर एक्स को यहाँ टी यू इंटू वी पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, यहाँ पे 1 ई टू द पावर एक्स प्लस का एक्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू में डी टी बाई में डी एक्स, यहाँ से हम लोग ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स लिख देते हैं और ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। चलिए तो इंटीग्रल ऑफ लॉग यहाँ पर आ जाएगा
और इसका हो जाएगा डी टी, इनटू में कुछ नहीं तो वन दे दो, यू इनटू वी पे लॉग टी इंटीग्रल ऑफ वन डी टी माइनस इंटीग्रल देखे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी डी टी इंटू इंटीग्रल ऑफ वन डी टी डी टी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हम लोग क्या कर सकते हैं। वन का यहाँ पे टी लॉग टी माइनस यहाँ पर वन बाई टी, इसका आपका टी डी टी, यहाँ पर टी लॉग टी माइनस का टी प्लस सी, ठीक है तो आ जाएगा यहाँ पर टी की जगह पे एक्स ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस का एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ एक्स ई टू द पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो लॉग ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस वन और प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन 35 देखिए, यहाँ पे इंटीग्रल है साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, ये आपका 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ आइलेट वाले मेथड पे इनवर्स पहले ना आता है, तो साइन इनवर्स x आपका u हो जाएगा और इस 3 को भी कर देते हैं, अब u इंटू भी लगाते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 3 डी एक्स माइनस इंटीग्रल देखें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इंटू में इंटीग्रल ऑफ 3 डी एक्स, 3 क्या 3x हो जाएगा, 3x साइन इनवर्स x माइनस या इसका डेरिवेटिव 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 का 3x डी एक्स। चलिए काम करते हैं यहाँ पर 3x साइन इनवर्स x, इस 3 को बाहर निकाल लेते हैं, प्लस में कर देते हैं, ऊपर माइनस लगा देते हैं, ये माइनस यहाँ अंदर लेके चलेगा। अब इसके बाद देखिए 3x साइन इनवर्स x ठीक है प्लस का 3, दो से डिवाइड और दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि नीचे रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव माइनस का 2x आएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x साइन इनवर्स x प्लस का 3 बाई 2 इंटू में 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, एफ डैश एक्स बाई में रूट अंडर एफ एक्स, इसका 2 रूट एफ एक्स हो जाता है, यानी आ जाएगा 3x साइन इनवर्स x प्लस का 3 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ये 2 tan इनवर्स x का होता है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x जो होगा u हो जाएगा और v आपका 2 हो जाएगा, ये इनवर्स है तो पहले u हो गया ये v हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ 2 dx एक्स माइनस इंटीग्रल देखिए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x फिर इंटीग्रल ऑफ 2 dx एक्स यहाँ dx। चलिए देखते हैं क्या होता है, 2 का हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस इसका डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का यहाँ पर 2x dx, ठीक है तो 2x tan इनवर्स x नीचे का डेरिवेटिव ये 2x हो जाएगा ना, तो माइनस का log ऑफ 1 प्लस का x स्क्वायर प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है, इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब बाई में 1 माइनस का 3x स्क्वायर डी, तो फॉर्म प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ ये 3 tan इनवर्स x का, तो यहाँ tan इनवर्स x u हो जाएगा और 3 जो होगा आपका भी हो जाएगा, u इंटू भी लगाते हैं, tan इनवर्स x इंटू में इंटीग्रल ऑफ 3 dx एक्स माइनस इंटीग्रल, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ठीक है इंटीग्रल ऑफ 3 डी एक्स फिर ये आपका डी एक्स। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस इसका यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 3 इंटीग्रल ऑफ
एक्स क्यूब बाई में रूट अंडर 1 माइनस x² dx। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको आई सपोज कर लेते हैं, लेट आई इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब बाई में रूट अंडर 1 माइनस x² dx। चलिए इसमें थोड़ा सा देखिए क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स कर लेते हैं और नीचे आपका रूट अंडर 1 माइनस x² dx। यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस x² का t, तो यहाँ से 1 माइनस t हो जाएगा x² का वैल्यू। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ माइनस का 2x इक्वल टू में dt और बाई में dx, यानी कि x dx किसके इक्वल होगा, माइनस का dt और बाई में 2 के। चलिए देखते हैं इंटीग्रल ऑफ x² का वैल्यू 1 माइनस t x dx माइनस का dt बाई में 2 और इसका रूट अंडर t, अलग अलग डिवाइड कर देंगे और ये कॉन्स्टेंट जो है बाहर लेंगे, -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/√t और इसमें डिवाइड होता है t^1/2 या √t भी लिख सकते हैं dt। चलिए अगले स्टेप में देखिए, -1/2 इंटीग्रल यहाँ निकाल ही देते इसका तो पता ही है आपको, 2√t इसका माइनस का यहाँ t^3/2 और पावर नीचे उतरेगा तो वही 2/3 हो जाएगा और प्लस में कॉन्स्टेंट के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √t और प्लस का 1/3 यहाँ पर t^3/2 प्लस कॉन्स्टेंट के। अब टी का जो वैल्यू था उसको रख देते हैं, माइनस का √1 - x² ठीक है, और प्लस का 1/3 1 - x² / 3/2 प्लस का के। अब देखिए हमें जो इंटीग्रल निकालना था वो x² sin inverse x dx का था, तो इंटीग्रल इसका क्या आया था, ऊपर हम लोगों ने क्या लाए थे एक बार देख लेते हैं स्टेप, ये लाते यही नाम लिखेंगे यहाँ पर। चलिए x³ / 3 sin inverse x - जो आपके पास 1/3 और उसका इंटीग्रल ये आया था, -√1 - x² + 1/3 1 - x² / 3/2 और प्लस में कांस्टेंट के। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x³ / sin inverse x + 1/3 √1 - x² - 1/9 1 - x² / 3/2 - 1/3 के। यहाँ x³ / sin inverse x + 1/3 √1 - x² - 1/9 1 - x² / 3/2 और प्लस में सी ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे कि वेयर सी जो है -1/3 के इक्वल है। समझ गए, तो एक काम करते हैं आज की क्लास में यही क्वेश्चन रन देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।